मुंबई से करीब 128 किलोमीटर दूर इगतपुरी की इस वीरान कोठी से अब खुल रही है लैला और उसके परिवार के कत्ल की कहानी, क्योंकि पुलिस को इस कोठी के पास मिले हैं 6 कंकाल और उन्हीं कंकालों से खुलने वाली है लैला और उसके परिवार के 6 लोगों के कत्ल की कहानी। इगतपुरी में लैला के फार्म हाउस में पुलिस रात को भी खुदाई का काम कर रही है और जो मानवीय अवशेष मिले हैं, जो हड्डियां मिली है, वो लेडीज़ की है, महिलाओं की है। महिलाओं के कपड़े मिले हैं, इसके अलावा कुछ बैंगल्स और जो लेडीज़ के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो मिले हैं। पुलिस ने वहाँ पे खुदाई की तो करीब 6 फुट नीचे खोदने के बाद पहले पुलिस को एक गद्दा मिला, उसके बाद फरसिया मिली और उसके नीचे जो थी ये बॉडियाँ दफन की गई थी। लैला खान की इस कोठी तक पुलिस परवेज टाक के खुलासे के बाद ही पहुंची थी, क्योंकि लैला और उसके परिवार वालों की खूनी कहानी का सबसे बड़ा किरदार लैला खान का सौतेला पिता परवेज टाक ही है। परवेज कुछ दिन पहले ही लैला और उसके परिवार के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे कर चुका है, लेकिन उसकी हर कहानी झूठी निकली। मगर इस बार परवेज टाक ने जो खुलासा किया है उसके सुराग मिल रहे हैं लैला के इस कोठी से। मंगलवार को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम परवेज टाक को लेकर लैला के इगतपुरी के फार्म हाउस पहुंची थी, क्योंकि परवेज टाक ने पुलिस को बताया था कि उसने लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों का इसी कोठी में किया था कत्ल और हत्या के बाद उन सब की लाश इसी फार्म हाउस में दफन कर दी थी। लेकिन 6 कत्ल की उस वारदात से पहले हम आपको दिखाते हैं पुलिस के हाथ लगे सबसे बड़े सुराग की कहानी। लैला खान मामले के आरोपी परवेज टाक को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लेकर यहाँ पर आई है। देखिए, ये लैला खान का वो फार्म हाउस है जहाँ पर उसको लेकर पुलिस यहाँ पर आई है और कई सारे फॉरेंसिक की टीम आई, खुदाई करने वाले मजदूर आई है और जो निशानदेही उसने की है उसी के आधार पर यहाँ पर पुलिस खुदाई का काम कर रही है। परवेज टाक ने निशानदेही बंगले के भीतर ही की है। पहले उसने इस बात का खुलासा किया था कि इसी फार्म हाउस में, जो कि काफ़ी पहाड़ी के ऊपर है और आप देखिए कि उसके पास एक खाई भी पूरी खाई है, तो उसने कहा था कि यहीं लैला और उसके परिवार को हत्या की गई और उसके बाद जो है उनके शव दफना दिए थे। तो पुलिस उसको लेकर आई है और इस वक्त क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने वहां पर बंगले के भीतर जो है पुलिस खुदाई का काम कर रही है और इससे एक बड़ा राज जो खुल सकता है। 1.5 साल पहले लैला खान समेत उसका पूरा परिवार लापता हो गया था, उसके बाद परवेज पकड़ा गया और परवेज को लेकर अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है यहाँ पर आई है और वो खुदाई का काम कर रही है। मुंबई पुलिस की टीम मंगलवार दिन भर लैला की कोठी और फार्म हाउस के चप्पे चप्पे की छानबीन करती रही और घंटों बाद पुलिस के हाथ जो कुछ लगा वो बेहद ही सनसनीखेज है। पता चला है कि पुलिस को इस फार्म हाउस के गड्ढे से 6 कंकाल मिले हैं, कपड़े, गहने और गद्दे मिले हैं। लैला के फार्म हाउस से मिले 6 कंकाल से लैला के कत्ल की गुत्थी खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों के कत्ल के आरोपी परवेज टाक ने खुद अपने खूनी खेल का खुलासा किया था। परवेज टाक ने पुलिस को बताया है कि 9 फरवरी 2011 को वो लैला की मां सलीना के साथ इस कोठी में शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों में बहस हो गई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि उसने सलीना के सिर पर लोहे की रॉड दे मारी। खून से लथपथ सलीना जमीन पर गिर गई। परवेज के मुताबिक इसके बाद उसने कोठी में मौजूद लैला खान, उसके भाई बहन और एक रिश्तेदार पर भी लोहे की रॉड से हमला करना शुरू कर दिया। इस हत्या में उसका मददगार था फार्म हाउस का चौकीदार शाकिर हुसैन। परवेज टाक के मुताबिक लैला और उसके परिवार वालों की हत्या के बाद उसने लाशों को एक बेडशीट में लपेटकर फार्म हाउस के पास ही दफन कर दिया। इसके बाद परवेज टाक चौकीदार शाकिर के साथ गाड़ी लेकर जम्मू आ गया। परवेज टाक के इस खुलासे की हकीकत जानने के लिए मुंबई पुलिस मंगलवार को इगतपुरी की इस कोठी पर पहुंची थी। उसने जो पहले पुलिस को बयान दिया था जम्मू कश्मीर को, यानी कि आखिरी बयान, वो सच साबित होता नजर आ रहा है। उसने कहा था कि उसने एक रॉड से सेलिना की हत्या की, लैला की मां की हत्या की। ये हत्या होते हुए लैला ने देखी, इसलिए लैला की हत्या की और बाकी सबूत मिटाने के लिए बाकी परिवार वालों की हत्या की। तो एक तरह से ये गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। सारे परिवार के शव एक एक करते हुए पुलिस को मिल रहे हैं और ये शव जो फार्म हाउस है उसके अंदर ही दफन करके रखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक लैला के कत्ल के आरोपी परवेज टाक ने दावा किया है
कि उसने लैला की माँ सलीना से शादी की थी और इस तरह रिश्ते के लिहाज से वो लैला खान का सौतेला पिता है। और रिश्ते की इस कहानी की छानबीन के दौरान ही सामने आया रफीक खान उर्फ बाबा अब्दुल्ला का नाम। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले रफीक खान देसी नुस्खों से लोगों के इलाज और समस्याओं के समाधान का दावा करते हैं। रफीक के मुताबिक इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात लैला की माँ सलीना से हुई थी। ये सलीना को पिछले 4-5 सालों से जानते हैं रफीक की माने तो लैला की माँ सलीना का निकाह परवेज टाक से हो चुका है। रफीक खान ने परवेज टाक और सलीना की कई तस्वीरें भी मुंबई पुलिस को दी हैं। मेरे को बोले बाबा मेरे को शादी करने गया है। मैंने किससे? लड़का बताइए कि लड़का है। बोले कश्मीर में रहता है, वो एनसीपी पार्टी जो है ना उसका एमएलए है। तो बोला अच्छी बात है, फिर बोलते फिर मेरे बच्चे के पास हाथ तो किसका होना मांगता है कि नहीं। बोला वो तो अच्छी बात है, होना तो जरूरी है, तो मेरा आप निकाह करा दो ना। बोला मैं तो बाबा हूँ, मैं निकाह तो मैं नहीं कर सकता। बोला फिर काजी निकाह करता, काजी होता ना वो, काजी निकाह कर सकता। बोला तो उधर आए उन लोग तो बैठे मेरे पास, उन लोगों ने भी रूम कमरा बुक किए थे, बैठे हैं। बोला बोले क्या बात है? बोले अभी काजी, मतलब जो मैं काजी को फोन करता हूँ, मैंने काजी को फोन करा। बोला किसकी निकाह करने का? बोला बोला ये देखो ये सलीना है और ये आदमी है उसका। बोला तो फिर बोला ठीक है, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जो भी कुछ करना किए और फिर बैठे, फिर उन्होंने कुछ अपना मंदिर पढ़ना चालू किया, उसने वो निकाह उन लोगों का हो गया। फिर रफीक की बातों पर यकीन करें तो परवेज टाक और लैला खान के बीच अक्सर अनबन होती रहती थी। परवेज को ये भी पसंद नहीं था कि उसकी पत्नी सलीना रफीक खान के पास जाए। ये भी बोली उसने, सलीना ने बोली अपना मेरे को, बोले ये परवेज, परवेज मेरा मर्द बोलता है क्या बाबा लोग जाना नहीं बाबा लोग के पास, ऐसा वैसा कौन? परवेश ने बोला बाबा लोग जाना नहीं ये नहीं वो। तो एक बार ऐसा तो मैं बोला देखो तुम्हारा जब मर्द बोलता बाबा लोग इधर आना है, बराबर ना? आप तो आपका मर्द बोलता है तो आपका मर्द सुनना जरूर, फिर मेरे पास आने लगा तो बोला बाबा लोग नहीं नहीं बाबा ऐसा कैसा तुमने मेरे बच्चे को अच्छा लिया ऐसा बोलने लगी। परवेज टाक लैला की माँ सलीना के करीब कैसे आया, कैसे उसने सलीना से शादी की और वो क्यों सलीना और उसके परिवार वालों की जान का दुश्मन बन गया, ये कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये है परवेज इकबाल टाक। परवेज पिछले करीब 3 साल से लैला के परिवार के संपर्क में था, लेकिन खास बात ये कि इसकी भनक लैला के पिता तक को नहीं थी। आपकी कभी परवेज से बातचीत नहीं हुई? आपने उसे कभी देखा भी नहीं? जी नहीं, नहीं कभी नहीं देखा। यहाँ आकर मेरी साली से पता चला कि परवेज नाम का कोई आदमी था जो 2 या 3 मरतबा मेरी सालियों के घर पर भी वो आ चुका है। जी तो फिर आपके परिवार से उसकी मुलाकात किसने कराई? आसिफ ने। पुलिस की गिरफ्त में आया परवेज टाक कौन है, वो क्यों लैला और उसके परिवार के संपर्क में आया और बाद में उनका जानी दुश्मन बन बैठा, उसके मुताबिक कैसे रची गई लैला के कत्ल की साजिश, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं लैला की गुमशुदगी की वो कहानी जो अब उसके कत्ल और अपहरण की कहानी में तब्दील हो गई है। जिस रोज मुंबई के ओशिवारा इलाके के सनशाइन अपार्टमेंट से लैला खान अपने परिवार के साथ इगतपुरी के लिए रवाना हुई थी, और ये है मुंबई से करीब 128 किलोमीटर दूर इगतपुरी की वो कोठी जहां लैला खान पहले भी अक्सर आया जाया करती थी। तहकीकात के लिए कुछ दिनों पहले एबीपी न्यूज के संवाददाता लैला खान की इस कोठी पर भी पहुंचे थे। छानबीन में पता चला कि लैला खान अपने परिवार के साथ आखिरी बार इसी कोठी से बाहर निकलती देखी गई और उसके बाद वो और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। लैला खान की कहानी का सबसे एक अहम जगह यह है, यह इगतपुरी का उसका बंगला है जो एकदम वीराने में है। आप देखिए इस तरफ, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा जंगल का इलाका है, इस तरफ खाई है, इस तरफ भी देखिए आप पूरा जंगल का इलाका है और यहाँ पर एक जंगल में ये है लैला खान का बंगला, लैला खान का फार्म हाउस है ये। और ये सबसे अहम जगह इसलिए है क्योंकि सबसे आखिरी बार लैला खान को यहीं पर देखा गया था और यहाँ पर देखे जाने के बाद वो किसी को नहीं दिखी और यहीं से वो लापता हो गई। जिस दिन लैला गायब हुई उस वक्त उसकी माँ सलीना पटेल उम्र 50 साल, बहन अजमीना उम्र 32 साल और छारा पटेल उम्र 25 साल के अलावा जुड़वा भाई इमरान पटेल 25 साल और लैला की मौसी की लड़की रेशमा सगीर खान उम्र 19 साल भी उनके साथ थे। मैं तो पहले से कहता चला आ रहा हूँ भाई जून महीने से कि इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो,
आग लगी है, पुलिस ने, इगतपुरी पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी, कोई मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखी, पता नहीं क्या क्यों नहीं लिखी वो मैं नहीं जानता। क्यों जलाया गया, कौन सा राज उसके अंदर दफन था, या इनका क्या किया ये परवेज ने और आसिफ ने, अब वो परवेज को यहाँ लाएंगे या वो आसिफ पकड़ा जाए तो गुत्थी को सुलझने की सुल जाएगी। इगतपुरी में उस रोज लैला खान और उसके परिवार के इस कोठी से जाने के बाद रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने कोठी में आग भी लगा दी थी और घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान यहां से आम इस्तेमाल में आने वाले कई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिले थे और यहीं से ये भी पता चला था कि लैला खान सैटेलाइट फोन का भी इस्तेमाल करती थी। इस वक्त अगर देखेंगे तो कोई नहीं है, जब से वो लापता हुई है इस फार्म हाउस पे कोई नहीं है। ये फार्म हाउस है और पूरी तरह से खुला हुआ है, जब से वो गायब हुई है यहाँ पे कोई नहीं आता कोई नहीं जाता, इसलिए पूरा बंगला जो है, जो फार्म हाउस है वो खाली पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि यहाँ लगता है कि चोर या उचक के आए होंगे, उन्होंने यहाँ पर तोड़ा भी है, इस कांच को भी तोड़ा हुआ है, अंदर घुसने की लोगों ने कोशिश भी की है। अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आग लगी थी इस बंगले में और कहा जाता है कि जब वो लापता हुई थी उसके बाद यहाँ पर करीब 15 दिनों के आसपास यहाँ पर रहस्यमय रीति से 8-15 दिनों के बाद यहाँ पर रहस्यमय तरीके से आग लग गई और यहाँ का सामान जल गया। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। लैला खान की इस कोठी के चौकीदार प्रकाश मेंगल ने भी एबीपी न्यूज से कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। प्रकाश ने ये बताया था कि लैला खान के इस कोठी में अतीक नाम का एक कश्मीरी नौजवान भी रहता था। यही नहीं, लैला ने कोठी पर कुछ और कश्मीरी लोगों को भी काम के लिए रखा था। चौकीदार प्रकाश की माने तो जिस रोज लैला खान आखिरी बार अपनी इस कोठी से बाहर निकली तो उसके साथ कश्मीरी युवक अतीक भी मौजूद था। कभी से लापता हुई है लैला? फरवरी मार्च से। फरवरी, वो कब आती थी यहाँ पे? कभी आती थी महीने में एक दो टाइम आते थे, तीन महीने में कभी, साल में एक टाइम आते थे। अच्छा, और कौन कौन आता था उनके साथ? उनके साथ उसका परिवार आता था, कोई भी उनका रिश्तेदार होगा, वो हमको मालूम नहीं कोई है, लेकिन वो आते थे उनके साथ में। मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से मुंबई पुलिस ने लैला और उसके परिवार के इगतपुरी में आखिरी पड़ाव का पता तो लगा लिया, लेकिन पुलिस की जांच इगतपुरी के इसी फार्म हाउस पर आकर अटक गई। ना तो लैला का कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा और न ही वो गाड़ियां जिनमें सवार होकर लैला अपने परिवार के साथ यहां तक पहुंची थी। ये लोग यहां से लापता हुए थे और वो लोग इगतपुरी में गए थे और इगतपुरी में जिसका लैला खान का जो फार्म हाउस है, वहाँ के सर्वेंट है मेंगाल करके, उसका जब हमने स्टेटमेंट लिया तो उसने बोला कि ये लोग यहाँ अप्रैल महीने तक थे और अप्रैल महीने के में एक दिन अचानक बोले कि कल हमको जल्दी जाने का है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके वहाँ से गए थे। लास्ट सीन वो इगतपुरी के फार्म हाउस में था, तो हमने जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का पेपर है वो पूरा नासिक रूरल एसपी के पास भेज दिया है। 7 फरवरी 2011 को गायब हुई लैला और उसके परिवार की गुमशुदगी मुंबई पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह गई थी, लेकिन इस पहेली का पहला सिरा पुलिस के हाथ उस वक्त लगा जब मुंबई से सैकड़ों मील दूर जम्मू में पुलिस के हाथ लगी सफेद रंग की ये स्कॉर्पियो कार। जम्मू के इसी नेहरू मार्केट में 26 फरवरी 2011 को सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को लावारिस हालत में खड़ी मिली। जब पुलिस ने उस गाड़ी को टटोला तो उसके हाथ लगे गाड़ी के फाइनेंस के कागजात, जिस पर दर्ज था मुंबई के एक फाइनेंसर का नंबर, और इसी के जरिए जम्मू पुलिस को पता चला कि ये गाड़ी लैला खान की माँ सलीना पटेल के नाम पर खरीदी गई है। जम्मू पुलिस ने लैला खान की स्कॉर्पियो कार तो बरामद कर ली, लेकिन लैला और उसके परिवार का कोई सुराग उसके हाथ नहीं लग सका था। बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा किस हाल में है, ये राज एक साल तक राज ही रहा। आखिरकार 2 महीने पहले जम्मू पुलिस के ही हाथ लगा लैला खान की रहस्यमयी कहानी का दूसरा धागा।
डेढ़ महीने पहले 29 मई 2012 को जम्मू पुलिस ने किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर बनी एक दुकान से लैला खान की महंगी मित्सुबिशी आउटलैंडर गाड़ी भी बरामद कर ली। इसी गाड़ी के बारे में ये शक जताया गया था कि इसका इस्तेमाल दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में किया गया था। 25 लाख की इस आउटलैंडर गाड़ी को 5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश करते हुए जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा वो कोई और नहीं बल्कि परवेज टाक था। परवेज की गिरफ्तारी के साथ ही जुड़ने लगे लैला खान की गुमशुदगी के तार। अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ लापता बॉलीवुड अभिनेत्री लैला खान की रहस्यमयी कहानी का सबसे अहम किरदार है परवेज टाक। ये वही परवेज टाक है जिसने गिरफ्तारी के बाद पिछले दिनों जम्मू पुलिस के सामने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि लैला खान जिंदा है और वो दुबई में है। परवेज के हवाले से अखबारों में ये खबर भी छपी कि लैला का संबंध अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी से है और वो डी कंपनी के एक हवाला ऑपरेटर के बेटे से शादी कर दुबई में रह रही है। बताया ये भी गया कि लैला के परिवार के 5 सदस्य जाली पासपोर्ट की मदद से देश छोड़कर चले गए हैं। लैला खान से जुड़े इन खुलासों से अभी पर्दा उठा भी नहीं था कि पुलिस की गिरफ्त में आए परवेज टाक ने यह कहकर पुलिस के होश उड़ा दिए कि लैला और उसके परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक परवेज टाक ने बताया है कि लैला खान, उसकी माँ, उसके भाई बहन समेत 6 लोगों की हत्या पिछले साल 9 फरवरी को मुंबई में कर दी गई थी, लेकिन लैला खान के पिता परवेज के इन बयानों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक बाप होने के नाते मैं तो ये नहीं मान सकता कि 6 लोग हैं, 6 लोगों का कत्ल करना इतना आसान नहीं, और सभी बालिग बच्चे हैं मेरे, समझे, और जो एक मेरी बीवी है, 4 मेरे बच्चे, 1 मेरी साली की लड़की, सबके सब बालिग, सब बड़े हैं, तो इतना आसान नहीं है। अब पहले तो उसने बताया परवेज ने के वो जाली पासपोर्ट से दुबई गई नेपाल के रास्ते, अब वो बता रहा है कि ये लोगों का मैंने मर्डर कर दिया, तो अब क्या सच माना जाए? वो पहले जो कहा उसने वो बात सच मानी जाए कि ये दूसरी बात कहीं वो सच मानी जाए? पटना के आशियाना नगर की मीरगंज कोठी नाम का ये बंगला है पंकज यादव उर्फ पप्पू यादव का। पप्पू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव के साले थे। पप्पू यादव की हत्या हो चुकी है। पप्पू के नौकर बबलू की भी हत्या कर दी गई है जो उनके साथ इसी बंगले पर रहता था। बबलू की खून से सनी लाश इसी बंगले से मिली है, लेकिन पप्पू यादव की लाश घर से करीब 4 किलोमीटर दूर दीघा थाने के पीछे पानी में मिली है। ये उनका घर है, इसी घर में वो रहते थे, और जो हत्या हुई है उसके बारे में बताया जा रहा है कि रात में करीबन 10 से 11 के बीच में 5-6 की संख्या में लोग आए थे और आकर इसी दरवाजे से अंदर घुसे, और फिर अंदर में क्या हुआ ये तो अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन उनके नौकर जो बबलू यादव पंकज के साथ रहते थे उनकी वहीं पर हत्या कर दी गई, जिसकी लाश सुबह में बरामद की गई। सुबह में हम लोग गश्त में थे तो सूचना मिली तो गए वहां पे, तो पोखर में लाश देखे और उसको हम लोग लेकर यहाँ पोस्टमार्टम करवाने। मालूम चला कि नहीं, पप्पू जी की लाश दीघा में मिला है और नौकर का लाश इनके घर में है। इसका मतलब है कि घर में ही अपराधी आके मारकर लाश को छिपाने का काम किया और दूसरे जगह पहुंचाया। मोबाइल के बारे में जानकारी हम लोग को मिला कि सगुना मोड़ के पास मोबाइल था, जो किसी सज्जन को मोबाइल मिला तो उसी में किसी का नंबर दे के वो फोन किए कि किसी का यहाँ मोबाइल है। पप्पू यादव की लाश घर से दूर मिली, उनका मोबाइल घर से दूर मिला, उनकी फोर्ड फिगो कार घर से गायब है। पुलिस जांच की बात कर रही है। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को खोजने हैं। पहला तो ये कि हत्या की वजह क्या है, क्या दोनों हत्याएं एक जगह की गई या अलग अलग। पुलिस थाने के पीछे पप्पू यादव का शव कैसे पहुंचा, पप्पू का मोबाइल घर से 3 किलोमीटर दूर कैसे पहुंचा, घर से गायब पप्पू की गाड़ी कहां गई। पटना पुलिस के लिए पप्पू की हत्या किसी पहेली से कम नहीं है। पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। पप्पू यादव अपने घर में पत्नी के साथ नहीं रहते थे। बताया जा रहा है कि पत्नी से उनकी अनबन थी जिसके चलते दोनों अलग अलग रहते थे। लग रहा है आपको, क्या लग रहा है पूरे मामले में? हम यहाँ नहीं थे, हमको नहीं कुछ बताते थे। कितने दिन से आप लोग अलग रह रहे थे?
3-4 महीने से था। कुछ खास वजह थी उसकी? नहीं, ऐसे ही हम वहाँ पे देखे, मम्मी बच्चा को देखेगी, वहाँ हम कोर्स कर रहे थे, कुछ यहाँ बच्चा को देखने वाला नहीं था। पटना की इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री ने बिहार में सनसनी फैला दी है। पटना पुलिस सरगर्मी से इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। पुलिस के लिए पप्पू यादव के कातिल का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। इस तरह से घटना घट जाना किसी एक मालिक का नौकर के घर में रहते हुए, और मतलब इस शासन का पोल खुल रहा है कि किस तरह से इस तरह से घटना घट रहा है। पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। हर एंगल से इस कत्ल की तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही डबल मर्डर की इस गुत्थी को सुलझा लेगी। सनसनी के लिए पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट।